सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक। थोड़ा कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के जो है लेक्चर्स में बिजी होने के कारण आप लोगों का कोर्स जो है आगे बढ़ा नहीं पाया, तो अब जो है उनका कोर्स 12th का कोर्स मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। उन्हें पूरे कोर्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे 70 मार्क्स का जो है विभाजन होता है, पूरी बातें मैं उन्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब मैं जो है 3 दिन के अंदर आज एक क्लास में इसे रिकॉर्ड करके आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं। इसके अलावा 3 क्लास और लूंगा जिसमें लाइव जो है आप लोगों को क्लास लेके मैं जो है शाम को पूरा आपका कोर्स जो है ख़त्म करूंगा बेटा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है केशिका या केश नली। केश नली को केशिका बोलते हैं व केशकात्व, और हमें यहाँ जो है केशकात्व के लिए उन्नयन सूत्र भी ड्राइव करना है। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरिटी। तो बेटा केश नली, केश का क्या है, ये सब बहुत ही जो है कम जो है व्यास वाली, जैसे कि आपके मान लीजिए ये सब सिर के बाल हैं, इतनी पतली जो है केश नली, इतनी पतली नली होती हैं जिनका फाइन बोर होता है, कहने का मतलब पूरा जो है डायमीटर जो समान रहता है बहुत कम होता है, इन्हें जो है केश नली या केशिका कहते हैं। इनका काम क्या है, यदि जो है इन्हें आप जो है किसी पानी में डालें तो पानी का लेवल इसमें ऊपर चढ़ने लगता है, यदि इसे आप किसी पारे में डालें तो लेवल नीचे हो जाता है। तो केश नली में जल अथवा जो है पारे का लेवल ऊपर या नीचे होने की घटना को ही केशकात्व कहते हैं। तो जो इसमें हम जो है आप लोगों को पृष्ठ तनाव और जो स्पर्श कोण के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आज हम जो है केशकात्व के लिए उन्नयन सूत्र की स्थापना करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है केशकात्व के लिए उन्नयन सूत्र। उन्नयन मीन्स असेंट फॉर्मूला, उन्नयन सूत्र की स्थापना। बेटा सभी को मेरी आवाज और बोर्ड सही से दिखाई दे रहा होगा, छोटा तो नहीं है। उन्नयन सूत्र मतलब इसे बोलते हैं असेंट फॉर्मूला। बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मान लीजिए ये कोई जो है कंटेनर था, इसमें सा लिक्विड था, लिक्विड मतलब वाटर ही मान लीजिए, अभी जो है जल है, ठीक है। अब जो है इसमें हमने एक केश नली रखी, ये मान लीजिए केश नली बहुत छोटी है, लेकिन हमने जो है इसका जूम करने के लिए, आपको कैलकुलेशन सही करने के लिए इस टाइप से हमने कर दिया। ये जो है मेनिस्कस बना, मतलब नवचंद्र का, मान लीजिए आर जो है केश नली की त्रिज्या है, केश नली की त्रिज्या। और आप देखें ये जो है बेसिकली जो कर्वेचर है जो है ना, ये रहेगा इसका जो है त्रिज्या वाली कैपिटल आर क्या, नवचंद्र का, मतलब जो मेनिस्कस जो बनना है आपका नवचंद्र का की त्रिज्या, मेनिस्कस की त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ अगर हम जो है इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स अगर जो है करें प्लॉट, तो बेटा कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये जो है स्पर्श कोण होगा थीटा, तो ये इस टाइप से बेटा सीधे जो है ऊपर की ओर इसका जो है रिएक्शन फोर्स जाएगा। ये देखो समझो, ये बेटा टी, इसी टाइप से देखो यहाँ भी जो है ये स्पर्श कोण हो जाएगा थीटा, इसका रिएक्शन फोर्स ये टी। अब इसके आप कंपोनेंट ब्रेक कीजिए बेटा, ये देखो एक कंपोनेंट जाएगा ये थीटा, तो ये भी थीटा बेटा, देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, टी कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट यहाँ करेंगे तो ये टी साइन थीटा। इसी टाइप से इसकी कंपोनेंट ब्रेक करो, ये बेटा टी कॉस थीटा, और बेटा इस साइड में ये टी साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं टी साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं और जो है इक्वल भी है, इसीलिए ये बेटा कैंसिल आउट होकर निरस्त हो गए। लेकिन ये जो अगर आप ध्यान से देखें कि ये जिसका रेडियस आर है,
इस पे आप देख रहे हैं इसकी पूरी रेडियस पे टी कोस थीटा जो है ऊपर की ओर एक बल लग रहा है। जब भी ये यहां तक पहुंचेगा तो इसमें जो भी द्रव्यमान आया उसका वेट जो है क्या रहेगा, भार एमजी रहेगा। और इस पे ऊपर लगने वाला बल इसके जो नीचे लगने वाले भार से जो है संतुलित रहेगा, वहीं पर जाके इसका जो लेवल रुक जाएगा। मान लीजिए हाइट एच तक गया, तो हाइट एच में कितना जो है इसमें केस नदी के अंदर जल है उसके भार के इक्वल होगा ये ऊपर लगने वाला तनाव। तो बेटा जो संतुलन की अवस्था में है शरीर को, संतुलन की अवस्था में इस ऊपर मुखी बल के कारण वो जा रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर ये बाहर जो नीचे की ओर कार्य नहीं करता तो फिर वो ऊपर ही जाता रहता है। तो क्या रहेगा बेटा, ऊपर मुखी तनाव बल इक्वल टू केस जो है नदी में नीचे की ओर लगने वाले जल का भार mg। ठीक है, ये देखो ऊपर मुखी तनाव बल क्या होगा बेटा, है ना, तनाव बल का मैंने क्या अब क्या बताया आपको, T का सूत्र होता है F ओवर L। तो ऊपर मुखी क्या लगेगा, बल लगेगा बेटा, है ना। तो बल का सूत्र क्या हो गया, T इंटू L। तो T की वैल्यू T cos थीटा, तो ऊपर मुखी बल क्या हो गया, देखो बेटा T cos थीटा, और L की वैल्यू 2 pi, यार बताओ हुई कि नहीं हुई, M इंटू G। ठीक है, देखो M को क्या बोल सकते हैं, है ना, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अगर इस जल का घनत्व रो है, रो क्या है, जल का घनत्व है, जो भी द्रव है उसका घनत्व है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, अगर ये स्पर्श कोण कम होगा तो जो है जल ऊपर की ओर जाएगा, न्यून कोण होगा, अगर स्पर्श कोण अधिक कोण होगा तो फिर जल नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आयतन इंटू घनत्व इंटू जी। आयतन क्या होता है, ए इंटू एच, हाइट एच तक पहुंचा, इंटू रो जी, ए की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। बेटा दिखने में आ रहा है नीचे, अच्छा दिख नहीं रहा, ठीक है, तो मैंने देख लिया, तो यहां तक आप देखो, ठीक है। अब मैं बेटा ऐसे कर देता हूँ, रफ कर, अब देखो, तो यहां तो क्या बेटा, टी कॉस थीटा इंटू 2 pi r इक्व टू पाई आर स्क्वेयर एच रू जी। ठीक है, अब देखिए 8 से 8 कैन खल्लास, 5 से 5 खल्लास, तो एच का वैल्यू आ गया, एच का वैल्यू 2 cos थीटा 2t cos थीटा ओवर r रू जी। इसी सूत्र को जो है कहते हैं आप असेंट फॉर्मूला, उन्नयन सूत्र जो है केस कार्त के लिए, उन्नयन सूत्र बेटा, ये आपको ड्राइव करना था। तो होप जो है आप लोगों ने सीख, है ना, इसे सीख लिया होगा, इसे हटा देता हूँ। तो इसमें आपको मालूम है कि ये सारा जो स्मॉल आर और कैपिटल आर है, एक ये तो स्मॉल आर है और एक जो है स्टेप्स होगा, तो ये कैपिटल आर होगा। तो जो है स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या संबंध होता है, ना, तो जो है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ओवर कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर। तो बेटा यहां से देखो, ये कॉस थीटा ओवर आर, सॉरी देखो, ये आप देखोगे तो कॉस थीटा ओवर आर इक्वल टू 1 ओवर आर। तो आर आर जो इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर ओवर कॉस थीटा। ठीक है, कहने का मीन जो कॉस है ना, कॉस थीटा, वहां से अगर आप कैलकुलेटर करेंगे तो आर ओवर आर आएगा। ठीक था जो, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू आर ओवर आर। तो ये आर ओवर कॉस थीटा की वैल्यू जो है, आर ओवर कॉस थीटा की वैल्यू 1 ओवर आर। ठीक है बेटा, कॉस थीटा ओवर 1 ओवर आर। तो एच इक्वल टू 2t ओवर आर रो जी। ठीक है, ये भी सूत्र हो गया, जहाँ आर जो है नव चंद्रिका की जो है, जो आपका मैंने इसका करने चला उसकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है। अब देखो कुछ जो है छोटी छोटी सी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें ये मालूम हो रहा है आपको एच इंटू आर
रोजी इक्वल टू टू टी, तो यहाँ से देखो एच रोजी इक्वल टू टू टी ओवर आर। देखो ये क्या गया, ये सब जो है किसी भी जो है बून के अंदर जो है जो एक्सिस प्रेशर आर्थिक के दाब होता है वो आ गया। बेटा देखो एच रोजी बताया था मैंने, दाब बताया था, तो आर्थिक के दाब का एक्सप्रेशन आ गया पी इक्वल टू टू टी ओवर आर, ये यहाँ से वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आप देखो बेटा जो है ना लिखा, अब देखिए दूसरा आप देखिए यहाँ से एच इंटू आर, देखो एच इंटू आर इक्वल टू क्या हो गया टू टी ओवर रो जी। ठीक है, एच आर रो जी, देखो ये टी कॉन्स्टेंट रो कॉन्स्टेंट जी कॉन्स्टेंट, तो ये क्या बेटा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि एच जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर होगी, जितना आर कम होगा उतना हाइट ज्यादा होती जाएगी, है ना, जितना जो है और आर और मतलब स्मॉल आर भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो है ठीक है, अगर कोस थीटा की वैल्यू वन है मीन्स थीटा जो है जीरो रहेगा तो कोस जीरो की वैल्यू वन रहेगी। ठीक है, तो शुद्ध जो जल है और शुद्ध जो कांच का वह बर्तन, तो थीटा की वैल्यू जीरो होती है, तो वहाँ जो है कोस कोस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, तो इस टाइप से रहेगा। तो ये देख लो एच आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कहने का मीन्स जो है इसमें सब क्वेश्चन आता है कि अगर जो है मान लीजिए केस जो है नली आपकी जो है इन जो सफिशियंट लेंथ की है मतलब अपर्याप्त जो है लंबाई की है, तो क्या जल उससे बाहर आ जाएगा? बेटा जल तब भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो है ये सब जो जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी तो इसका आर आर जो है क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, आर जो बढ़ जाएगा तो जो है एच जो है एच हाइट में जो पानी आ रहा है वो उसके मेनिस्कस में जो है समायोजित तो हो जाएगा, तो जल बाहर नहीं आएगा। ये बहुत कॉमन है क्वेश्चन जो सब पूछते हैं, तो बच्चों तो ये आप लोगों ने सीख लिया। अब इसके डेली डेली लाइफ में बहुत सारे सब प्रयोग हैं वो आप देख सकते हैं दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, और इस पर बेस्ट प्रॉब्लम भी है। तो जो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट था, ये मैंने आप लोगों का किया खत्म किया। तो अब मान लीजिए आप लोग जो है देख लीजिए लग के आप जो है लाइव क्लास शाम को छः बजे के करीब आप ले लीजिए, जिसमें चैप्टर फोर सॉरी यूनिट फोर और यूनिट थ्री एक दिन की, ये बहुत छोटी छोटी यूनिट हैं, एक दिन की लाइव क्लास में एक दिन की लाइव क्लास में तीन दिन में मैं आपको जो है खत्म कर दूंगा। आपका पेपर शायद 5 मार्च को है आपका वर्ल्ड कप, तो जो 30 मार्च के बाद शायद काफ़ी गैप है, तो जो है आप आसानी से इसे कर पाएंगे। उसके बाद हम जो है पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब आपको कराएंगे, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे कि जो है कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं वो भी हम सब आपको जो है बताएंगे। आपको बताएंगे कि जो है आपके 50 मार्क्स का क्या सा गणित है, और जो 50 मार्क्स कैसे सा है ना डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जो है एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है 50 नंबर, तो अगले वीडियो में ये सारी बातें बताएंगे। तो बेटा दैनिक जीवन में इसका बहुत सारा उपयोग है। अगर आप देख लीजिए कि जो है अगर जो है रूमाल को सूती रूमाल को अगर आप जल में एक एंड उसका डुबो देते हैं तो धीरे धीरे पूरा रूमाल गीला हो जाता है, क्योंकि जो है उसमें जो रेसे हैं वो सब जो केस नली का कार्य करते हैं, ऊपर को जो है पानी चढ़ जाता है। देखिए साहब जो है पेड़ है, पेड़ के साथ जो अंदर जड़ में हम पानी देते हैं, लेकिन वो सब पानी जो है हर एक जो है पत्ती तक ऊपर तक पहुँच जाता है, तो उसमें जो नर्व्स हैं वो सब जो केस के है ना केस नली का कार्य करती हैं। और भी इसके बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका टेबल लैम्प है, सॉरी जो पहले जो मिट्टी के तेल का जो है ना जलते थे लैम्प, तो उसमें बाती जो है थोड़ी सी बाती जो है मिट्टी के तेल में अंदर होती थी, फिर ऊपर तक पूरा जो है मतलब जब तक बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता था मिट्टी का तेल तब तक जलता रहता था। उसी प्रकार से आपके घी के दीपक हैं मिट्टी और जो है तेल के हैं दीपक, उसमें भी रूई जो है आपका केस नली का कार्य करती। तो बेटे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो बच्चों होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।